हेलो डियर स्टूडेंट्स चलिए तो आज हम नॉलेज बास्केट का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है क्वेश्चन 16 द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स प्लस ये का X K आपको क्या बोला है फैक्टर फैक्टर बोला है है अभी तो हमें पता है कि उसकी रिमाइंडर क्या होती है जीरो होती है चलिए लेते हैं सो so, मान लो अपनी पोलिनोम पी ऑफ एक्स है राइट right? तो रिमाइंडर उसकी क्या हो जाएगी पी ऑफ माइनस के क्योंकि हम एक्स प्लस के उसका फैक्टर ले रहे हैं ठीक है थीके? चलिए तो x की जगह पे रखेंगे माइनस के तो माइनस के का क्यूब प्लस के माइनस के का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस के प्लस के प्लस फोर क्लियर चलिए अभी फैक्टर बोला है ना तो रिमाइंडर जीरो तो दिस इक्वल टू तो हम क्या ले लेंगे जीरो चलिए यहां पे लिख देता हूं मैं जीरो इज इक्वल टू तो माइनस के का क्यूब माइनस के क्यूब माइनस के का स्क्वायर विल बी के स्क्वायर के स्क्वायर इन टू के प्लस के क्यूब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस टू के प्लस के प्लस फोर चलिए जीरो इज इक्वल टू माइनस के क्यूब प्लस के क्यूब कट टू के प्लस के इज थ्री के थ्री के प्लस फोर सो हमें के की वैल्यू चाहिए तो के के अलावा बाकी सबको सामने भेजेंगे सो थ्री के इज इक्वल टू प्लस फोर सामने आके माइनस फोर हो जाएगा सो देन के इज इक्वल टू माइनस फोर बाय थ्री चलिए बेटा कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन थ्री तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस फोर बाय थ्री नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन सो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन देन वन अपॉन आल्फा प्लस वन अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा इज यानी कि हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है अब आपको बताया था कि इसकी वैल्यू ढूंढनी है तो हम पोलिनॉम्यल पे से सिर्फ कौन सी दो वैल्यू लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा तो हमें कोई भी फॉर्म किसी भी की भी वैल्यू पूछी हो तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा चलिए तो पहले पोलिनॉमियल पे से हम दो चीज जो लिख सकते हो लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी बाई ए माइनस माइनस प्लस तो फोर बाई वन इज फोर चलो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू चलो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे बेटा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा में तो देखो यहाँ पे पहले एलसीएम लेंगे हम तो क्या एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इट इज राइट चलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फोर अपॉन अल्फा बीटा वन माइनस वन यानी कि फोर माइनस वन क्या हो जाएगा थ्री तो इसकी वैल्यू आ जाएगी थ्री ऑप्शन वन वन ऑप्शन इज़ योर राइट आंसर क्लियर चलो चलते बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन पे क्या बोला है एटीन में इफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ दोलिन इज इक्वल टू देर प्रोडक्ट जो पोलिनॉमियल गिवन है उसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों की वैल्यू कैसे दिए इक्वल दिए इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट यानी सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट्स आर इक्वल तो हमें के की वैल्यू बतानी है उनको राइट right. चलिए ले लेते मान लो अल्फ़ा बीटा उसके जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी अल्फ़ा बीटा तो दोनों को हमने इक्वल ले लिया अब हम पोलिनॉमियल पे से वो दो वैल्यू पुट कर सकते हैं चलिए सम ऑफ जीरो सम ऑफ माइनस बी बाई तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस टू अपॉन के बाई के चलो के के so, सामने जाएगा के इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री नीचे ले आओ माइनस टू बाई थ्री तो के वैल्यू क्या गई बेटा माइनस टू बाई थ्री ऑप्शन थ्री इज योर राइट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन था फटाफट फड़ हो गया सिंपल आपको ध्यान रखना था सम ऑफ जीरो लिखना है और दोनों को इक्वेट कर देना है चलो गुड नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्या बता रहा है इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरो पोलिनोम इफ अल्फा बीटा गामा आर इन ए पी फाइन दैल्यू ऑफ सी देखो अल्फा बीटा गामा हमारी पोलिनोम के जीरोस दिए और उन्होंने बोला है कि अल्फा बीटा गामा जो है ना एक क्लू दिया हमें कि वो एपी में अभी एपी का मीनिंग क्या होता है कि उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है अब अल्फा बीटा गामा आर इन एपी बोला है तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम यानी कि ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू यानी मैं ये लिख सकता हूं बीटा माइनस इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा अभी बीटा को इधर ले आता हूँ तो माइनस बीटा इधर आके प्लस और अल्फा को सामने भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा इक्वेशन टू बीटा इज इक्वल टू आल्फा इधर आके प्लस तो अल्फा प्लस गामा लो मुझे एक इक्वेशन एक मिल गया टू बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा अब हमें सी की वैल्यू ढूंढनी है ना और सी कहाँ पर बैठा है पोलिनॉमियल में कॉन्स्टेंट पर बैठा है राइट तो हमें पोलिनॉमियल पे से क्या क्या लिख सकते हैं वो सारी चीजें लिख देते हैं उसके सारे रिलेशन तो क्यूबिक पोलिनोम है तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरो लिखे तो सम ऑफ जीरो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय माइनस माइनस विल बी प्लस ट्वेल्व बाय वन इज ट्वेल्व चलो नेक्स्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस लिख सकते हैं तो क्या होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए इज फोर्टी नेक्स्ट थर्ड रिलेशन अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा माइनस टी बाई यानी कि माइनस सी हो जाएगा अब देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है सी की ना तो सी कहाँ पे बैठा है अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट पे यानी अगर हमें सी की वैल्यू चाहिए तो अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू पता होनी चाहिए तो उसकी वैल्यू कैसे ढूंढे तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू हम ढूंढेंगे एक तो इसका यूज करेंगे वन का और ये सारी इक्वेशन को नेमिंग कर देता हूं टू थ्री एंड फोर चलिए इक्वेशन टू में अल्फा प्लस गामा की जो वैल्यू है उसकी जगह पे मैं टू बीटा लिख दूँ तो पूरी इक्वेशन बीटा के फॉर्म में आ जाएगी तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू चलो बेटा वन में अल्फा प्लस गामा की वैल्यू गिवन है टू बीटा तो यहां पे मैं रख दूंगा अल्फा प्लस गामा की जगह पे टू बीटा प्लस एक बीटा और इक्वल टू कितना है ट्वेल्व तो देखो टू बीटा प्लस बीटा इस थ्री बीटा इज इक्वल टू ट्वेल्व एंड बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा फोर राइट बीटा की वैल्यू आ गई अभी अल्फा और गामा की ढूंढनी है उसके लिए हम क्या करें तो ये जो इक्वेशन थ्री है इक्वेशन थ्री में मुझे इधर दिख रहा है कि मैं अगर यहां से बीटा कॉमन निकाल दू फर्स्ट टू में से तो अल्फा प्लस गामा बचेगा उसमें मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं अल्फा प्लस गामा की जगह पे टू बीटा तो अब हम किसका यूज कर रहे हैं इक्वेशन थ्री तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री चलो फर्स्ट दो में से मैं बीटा कॉमन निकाल रहा हूं तो बीटा कॉमन बचेगा क्या अल्फा प्लस गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्व टू फोर चलिए जो भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है सारी पुट कर देते हम देखो बीटा क्या हो जाएगा फोर बीटा की वैल्यू आ चुकी है तो मैं फोर रख रहा हूं अल्फा प्लस गामा वो क्या है टू बीटा और टू बीटा यानी टू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी एट तो यहां पे लिख देता हूं फोर टू जट चलो अल्फा गामा वो तो पता नहीं है वो तो ढूंढना है हमें इज इक टू फोर्टी फोर एट फोर जटी टू सामने जाके माइनस हो जाएगा तो गामा अल्फा इज इक्वल टू फोर्टी फोर माइनस थर्टी टू तो गामा अल्फा की वैल्यू भी आ गई गामा अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा ये सब ट्रैक करोगे तो एट प्लस फोर ट्वेल्व राइट चलियो अल्फा गामा आ गया बीटा की वैल्यू आ गई अब इक्वेशन फोर में सारी वैल्यू पुट कर दे तो सी की वैल्यू आ जाएगी सो so, लिखते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4. चलो वैल्यू गुड करते बेटा अल्फा गामा अल्फा गामा की जगह पहले लिख देता हूं अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या है माइनस सी सो अल्फा और गामा की वैल्यू हो जाएगी ट्वेल्व और बीटा की वैल्यू हो जाएगी फोर इक्वल टू माइनस सी तो ट्वेल्व फोर सा फोर्टी एट इक्वल टू माइनस सी तो सी की वैल्यू क्या हो गई माइनस फोर्टी एट राइट चलो कौन सा ऑप्शन है

नॉन दिया है राइट तो K की value, uh, करने के लिए एक इक्वेशन भी हमें हेल्प के लिए दिया है सबसे पहली बात कि हम पोलिनोम से कौन सी दो चीज लिख सकते हैं एक होता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम माइनस बी बाई एनि की माइनस फोर बाई के एंड दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा जो क्या हो जाएगा सी बाई एनि फोर बाई के क्लियर चलो नेक्स्ट अभी जो इक्वेशन गिवन है ना उसी का हम यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इक्वल टू ट्वेंटी फोर चलो वैल्यू पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा की माइनस फोर बाई के उसका होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा की जगह पे फोर बाई के इक्वल टू ट्वेंटी फोर चलो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन अपॉन के स्क्वायर माइनस एट अपॉन के इक्वल टू ट्वेंटी फोर चलो यहां पे एलसीएम ले ले तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे यहां पे k मल्टीप्लाई कर दो तो डी सेम हो जाएगा स्क्वायर तो हो जाएगा 16 माइनस एट के स्क्वायर को सामने भेज बे देते बेटा तो 24 फोर के स्क्वायर राइट इन सबको सामने भेज देते बन जाएगा माइनस एट के सामने आके प्लस एट के प्लस सिक्सटीन सामने आके माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो बना दिया अभी देखो सब में से मुझे एट कॉमन दिख रहा है तो एट कॉमन निकाल लेते हैं प्लस के माइनस टू इज इक्वल टू जीरो बाई एट विच इज जीरो चलिए क्वाड्रेटिक बन गया हमें तो सिर्फ के की वैल्यू चाहिए ना फटाफट डायरेक्टली बता देते हैं हम कि प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 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 प्लस चलो शॉर्टकट मैथड जो मैंने आपको सिखाई थी थ्री टू जा सिक्स सिक्स के ऐसे दो फैक्टर जो माइनस करके वन आए तो क्या हो जाएगा थ्री और टू तो थ्री और टू यानी के की वैल्यू माइनस थ्री एंड के की वैल्यू प्लस टू चलो कौन सा दिया है ऑप्शन तो देखो ऑप्शन वन है और यस यस यहाँ पे और बच्चा है ना कि हम शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं दो फैक्टर लिखते हैं और अगर एक्सक्वेर का होता है हम तो हम उसी से डिवाइड करते हैं तो माइनस थ्री बाई थ्री एंड यहां पे हो जाएगा टू बाई थ्री तो माइनस वन यानी कि के वैल्यू माइनस वन और के इज इक्वल टू टू बाई थ्री क्लियर चलो कौन सा ऑप्शन है देखो तो फर्स्ट ऑप्शन है माइनस वन हा चलो है टू बाई थ्री वो भी दिया है अच्छा ऑप्शन थ्री हाँ ऑप्शन थ्री में दोनों दिया है बोथ वन एंड टू तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन थ्री देखो माइनस वन भी आई के की वैल्यू एंड के की वैल्यू टू बाई थ्री भी आई तो दोनों हो जाएगा राइट चलिए इजी था चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी वन क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे थैंक यू